हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट। गाइस, इसे करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी दो बलून्स की। जी हाँ गाइस, और गाइस ये इतना आसान है कि आप इसे अपने बटा करके देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें इन दोनों बलून्स को किसी धागे की हेल्प से बराबर सीधा लटका देना है, कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है। और गाइस, इसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को रब करना है कुछ इस तरह से। और अब करने के बाद मैं जैसे ही इन अपने हाथों को इनके पास ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो बलून है वो मेरे हाथों की तरफ खिंच रहे हैं, यानी कि इनका खिंचाव मेरे हाथों की तरफ हो रहा है। तो चलिए फिर से करते हैं। तो मैं अपने हाथों को इनके पास ले गया और आपने देखा कि जो बलून था वो भी ऊपर तरफ आ गए हैं। और गैस, अब यदि मैं बलून को अपने सिर के ऊपर रगड़ूँ कुछ इस तरह से, और गैस रगड़ने के बाद अब यदि मैं उन्हें छोड़ दूँ तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों बलून थे वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों बलून चार्ज हो गए हैं और चार्ज होने की वजह से ये बलून एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों बलून्स थे वो एक दूसरे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस, इसे करते हुए तो आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों बलून्स हैं वो सीधे में होने चाहिए, वरना तो ये काम नहीं करेगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं अपने हाथों को रब करके चार्ज कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने हाथों को रब कर लिया है और रब करने के बाद मैं जैसे इनके पास ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो बलून्स थे वो मेरे हाथों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारे आज की वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो देखने अपना चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।